Hello, hello. Am I audible? Am I audible? Yes. All right. And is everybody comfortable in English? Yes. Everybody understands English, Hindi? Hindi. What? So is it okay if I speak in any of these languages? Hindi. Hindi? Fine, yeah. Hindi is fine. All right. Very, very good afternoon, bacho. And all the other esteemed guests here. Now, you must have noticed that before the kids came in, there were around 10 to 15 of you and you were made to sit. It was a thing that was done purposely by Aarti and us. Because the topic is ADHD. ADHD means attention deficit hyperactivity disorder. Attention deficit matlab, you can't pay attention to one thing for a good amount of time. Attention deficit hyperactivity. Hyper, you know, some kids are hyper, some people are hyper, all over the park. So we just wanted to see in these 10 minutes whether we find an ADHD patient who just stands up and goes away. But nothing of that sort happens, so all of you can give a big clap to yourselves. Alright. Now as I told you, my topic today is managing ADHD. Alright. Attention deficit hyperactivity disorder. Samajh raha hai bachcho? अभी सादी भाषा में ADHD क्या है मैं आपको समझाता हूँ. हर एक क्लास में एक या दो ऐसे बच्चे होते हैं जब टीचर सिखाती होती है, बहुत अच्छा पढ़ा रही है टीचर, टीचर भी बहुत अच्छी है, सब बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन उसका कुछ तो चुलबुल चल रहा है. चुलबुल पांडे होता है कि नहीं हर क्लास में? होता है ना. बच्चे लिख रहे एग्जाम में, वो इसको परेशान करेगा, उसको परेशान करेगा, पेंसिल निब से इसको ये करेगा, बीच में से उठ के चलने लगेगा. होता है कि नहीं होता है? तो अपन ये बच्चों को क्या बोलते हैं, यार तो चुलबुल पांडे ये चुप क्यों नहीं बैठता, है ना. तो शायद वो बच्चे को ADHD हो सकता है जो भी हम डिस्कस करने वाले. ADHD का फुल फॉर्म वापस बताइए मैडम. व्हाट्स योर नेम? वंशिता. वंशिता नाम. ADHD का फुल फॉर्म बोलो मुझे. उसमें नहीं लिखा है ADHD क्या बोला मैं? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. मतलब कोई भी चीज पे बहुत देर तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाना और थोड़ा हाइपर हो जाना. तो अगर यहाँ पे कोई बहुत होशियार है, स्मार्ट है, वो बोलेगा डॉक्टर आप भी तो इधर से उधर चल रहे हो, आप भी ADHD वाले हो क्या? बोल सकते कि नहीं बोल सकते? क्योंकि मैं जो डेफिनेशन दे रहा हूँ ADHD का, वो हिसाब से जिस तरह मैं चल रहा हूँ, मैं भी ADHD का पेशेंट हो सकता हूँ. आई कैन बी अ पेशेंट ऑफ ADHD. करेक्ट? करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट कौन बोला? कौन बोला करेक्ट? अच्छा, व्हाई डू यू से करेक्ट? ये खुद चुलबुल है. सो वी आर लाइक ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर, राइट? ओके. मैं ADHD का पेशेंट नहीं हूं. क्यों? अभी मैं आपको बताता हूं. अगले 3 मिनट में जो भी बात करूंगा, मैं यहां पे ये दो बच्चियों के सामने खड़ा रह के बात करके दिखाऊंगा. तो मैं ये जो कर रहा था अभी, दैट वॉज ऑन पर्पस, बट आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ एंड स्टैंड एट वन प्लेस और मैं बात कर सकता हूं. अभी आप टाइमर लगा लो बच्चों, 3 मिनट ये डॉक्टर बैठ पा रहा है, खड़ा रह पा रहा है, एंड इफ ही कांट देन ही ऑल्सो हैज ADHD. करेक्ट? इफ ही कैन ही डज नॉट हैव ADHD. ऑलराइट. तो सबसे पहली बात रिगार्डिंग ADHD इज योर अटेंशन स्पैन. किसी भी चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर पाना आप नहीं कर पाते हो, एक समय के ऊपर नहीं कर पाते हो. 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, उससे ऊपर होता ही नहीं है. क्या करें? मन चुलबुल होता है, एंड आई फाइंड लाइक गोइंग समवेयर एंड डूइंग समथिंग. ऑलराइट. ये हो गया इनअटेंशन. दूसरी चीज़ है हाइपर एक्टिविटी. हाइपर हाइपर, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, इम्पल्सिव, ये लिया, वो लिया, दिस लिया. ओके. और ये चीज़ हमारे कंट्रोल में होती है नहीं होती है? होती है नहीं होती? अगर ADHD है, नहीं होती. सो नेक्स्ट टाइम यू हैव सम किड इन योर क्लास हु इज डूइंग लाइक दिस, उसको एक लाफा लगाएंगे या बोलेंगे बेटा तेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है, तू डॉक्टर के पास जा या काउंसिलर के पास जा? What will you do? क्या करेंगे? क्या करेंगे? मारेंगे? काउंसिलर के पास जा. क्यों? क्योंकि ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है. ठीक है. अभी आप लोगों ने सबने बाहर देखा, ह्यूमन ब्रेन देखा सबने? एवरीबडी सॉ द ह्यूमन ब्रेन. यू सॉ हाउ इट वॉज? कितना अच्छा लगता है, मुलायम लगता है टच करने को. एवरीबडी ट्राई दैट आउट. सबने देखा ना, इधर के बच्चे लोग? एवरीबडी डिड इट. ओके. नाउ वो जो ब्रेन का आगे वाला हिस्सा है, द फ्रंट पार्ट ऑफ इट, कौन सा? जहां पे आपकी टोपी खत्म हो रही है, दैट पार्ट. वो पार्ट को व्हाट डू वी कॉल दैट? वी कॉल दैट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. क्या बोलते?
जो अच्छे से उसको प्रोनाउंस करके दिखाएगा उसको मेरे तरफ से गिफ्ट, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। गिफ्ट बोला था, सब बोल रहे हैं। ऑलराइट, सो ये जो पार्ट है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ओके, ये पार्ट हमारे को कंट्रोल देता है। मतलब अगर मेरे को पढ़ाई करना है, एक घंटा बैठना है, मन तो करता है चलो जाके दूसरा कुछ कर लूँ। क्लास में टीचर अगर पढ़ा रही है तो मन तो करता है यार ये क्या बोरिंग लेक्चर है बायोलॉजी का या फिर साइंस का या जो भी, जाके गेम्स खेलूँ। लेकिन आप नहीं करते ना वैसा, बैठते हो ना। क्यों बैठ पाते हो? क्योंकि आपका ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, आगे का भाग है, ये एकदम अच्छे से चल रहा है, इट्स वर्किंग वेरी फाइन। और ये आपको बोलता है अरे यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ राइट नाउ। ऑलराइट, बट इन पेशेंट्स हु हैव एडीएचडी दिस पार्ट इज नॉट फंक्शनिंग वेरी वेल। वहां पे ना इन सिंपल लैंग्वेज थोड़ा सा केमिकल लोचा हो जाता है। हैज एनीबडी सीन दैट मूवी लगे रहो मुन्ना भाई बाय संजय दत्त का देखा है? क्या होता है उसमें, व्हाट हैपेंस, ही सीज हुम, किसको देखते वो? गांधी जी नजर आता है। तो वो भी एक साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, दाढ़ी वाले डॉक्टर के पास। व्हाट डज ही से? इसके दिमाग में केमिकल लोचा हो गया है इसलिए इसको गांधी जी नजर आ रहे हैं, ऐसे बोलते ना। एडीएचडी में भी वैसा ही नहीं, दूसरे टाइप का केमिकल थोड़ा सा लोचा हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैनॉट स्टे पुट एट वन प्लेस, यू कैनॉट पे अटेंशन एट वन प्लेस, यू कैनॉट फोकस फॉर अ सर्टन थिंग बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट। समझ गए, एवरीबडी गॉट वॉट एडीएचडी इज? और मैं यहाँ पे 3 मिनट रह पाया तो मुझे एडीएचडी नहीं है, प्रूवन ना, प्रूवन और नॉट प्रूवन? सो अगेन आई एम गोइंग टू रोम हियर एंड देयर। ऑलराइट, सो नाउ वी हैव एस्टैब्लिश व्हाट इज एडीएचडी। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू नो, इज एडीएचडी ओनली सीन इन किड्स? सिर्फ बच्चों में पाया जाता है, ये बड़े बुजुर्गों में भी पाया जाता है? व्हाट डू यू फील? कोई कोई बड़े बुजुर्ग भी होते हैं ना, किसी के अंकल कोई आंटी, वो दिन भर घूमते रहते हैं, एक जगह बैठते नहीं, जॉब चेंज करते रहते हैं। ऑल ऑफ अस नो वन सच पर्सन, करेक्ट? देयर बिहाइंड एवरीबडी नोज वन सच पर्सन हु इज नॉट वेरी वेरी स्टिल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो एडीएचडी जनरली इज सीन एंड स्टार्ट्स इन चिल्ड्रन बिफोर 12 जनरली, लेकिन ये अगर प्रॉपरली ट्रीट ना हो तो बहुत सारे केसेस में प्रोग्रेस हो सकता है इवन व्हेन यू बिकम मैच्योर। ऑलराइट, अच्छा अभी मुझे एक बात बताओ, मैं कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकता लेकिन यहाँ पे क्रिकेट कौन कौन देखता है? किस किस को मोहम्मद कैफ नाम का एक प्लेयर था इंडिया में पता है? मोहम्मद कैफ पहले रहता था, आप लोगों को नहीं पता होगा, विकेट कीपर? नो 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 नो, ही वॉज अ फील्डर। उसको टीम में लेते थे वो फील्डिंग करने के लिए, उसको बैटिंग नहीं आती थी, बॉलिंग नहीं आती, सिर्फ फील्डिंग करता था वो। नो 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 नो, मोहम्मद कैफ इज द स्लिम गाय। ओके, ही माइट हैव डन विकेट कीपिंग वन इन वन ऑफ द मैचेस परहैप्स, नहीं ना? ओके, कोई बात नहीं। तो मोहम्मद कैफ को अगर आप देखे, हुएवर हैज सीन देम, जस्ट गो बैक टू हाउ ही वॉज ऑन द फील्ड, ही वॉज लाइक ऑल ओवर द प्लेस। बॉल अगर उधर मारा है तो वो वहां पहुंच जाएगा, बॉल उधर मारा है तो वहां पहुंच जाएगा, ही वॉज ऑल राउंड द प्लेस। आई एम नॉट श्योर, बट उसको भी एडीएचडी हो सकता है, बता नहीं सकता मैं पक्का, बट हो सकता है। एडल्ट्स में भी एडीएचडी हो सकता है। ऐसे एडल्ट्स में क्या होता है प्रॉब्लम, मैं बताऊँ आपको, वो एक जगह बैठ के काम करने जाते हैं ना, उनको अगर बॉस ने असाइनमेंट दिया, यू हैव टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट बाय द एंड ऑफ द डे, शुरुआत करते हैं वो असाइनमेंट, ये पहले पेज बहुत अच्छे से करेंगे, दूसरे पेज अच्छे से करेंगे, तीसरे पेज तक वो कुछ दूसरा ही करते लगेंगे, और एक डेढ़ दो घंटा वो कुछ अलग ही करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे बॉस विल कम एंड शाउट, अरे क्या किया है तुमने, इतने होशियार हो, इतना दिमाग है, सब स्कोर्स अच्छे आते हैं, लेकिन जब काम करना है तो पूरा नहीं कर पाते हो। तो शायद ये एडीएचडी हो सकता है और उसको ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है, ठीक है? और एक चीज़ जो एडीएचडी वाले होते हैं ना, वो जैसे मैं आपको बताया हाइपर होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ड्राइविंग भी जब करते हैं ना बड़े हो जाने के बाद, बहुत जोश होता है अंदर, गाड़ी जोर से चलाते हैं, तो हम देखते हैं यार ये 200 की स्पीड से कैसे चला रहा है, पागल है? पागल नहीं है, शायद उसको एडीएचडी है। तो नेक्स्ट टाइम इफ देयर इज अ 30-year-old मैन एंड ही इज रियली ड्राइविंग द व्हीकल वेरी फास्ट एंड यू हैपन टू स्टॉप हिम लाइक अ गुड सिटीजन, और आप उसको अगर बोलते हो कि भाई साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको समझता नहीं कि आपकी ज़िंदगी चली जाएगी, ये मत बोलिए भाई साहब, आपको अगर कंट्रोल में नहीं हो रही गाड़ी तो कृपया मेरे एक पहचान के अच्छे डॉक्टर है उनके पास चलिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यू हैव टू बी मोर एम्पैथेटिक, यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन, कि ये जो चीज़ है अंदर जो एनर्जी है
वो खुद कंट्रोल नहीं कर पाते। समझ रहे हो सब बच्चे? समझ रहे कि नहीं? समझ रहे ना बेटा? ओके ऑल राइट, ये एक है। उसके अलावा वो मैरिज में भी उनके प्रॉब्लम आते हैं। कैसे? मैं बताता हूँ आपको। अभी समझो कल वैलेंटाइंस डे था, मैडम ने जैसे बोला, तो वैलेंटाइंस डे के दिन आपको जो भी पसंद है उसके साथ आप जाते हो, कैंडल लाइट डिनर वगैरह करते हो कि नहीं करते हो? बच्चा कोई हाँ नहीं बोला अभी तक, गुड ओके अभी तक नहीं गए, बट एल्डरली पीपल दे मस्ट हैव गॉन। सो इफ़ यू गो टू अ कैंडल लाइट डिनर, आप गए ताज एंड ताज लैंड्स में, या फिर आप नरीमन पॉइंट चले गए। नरीमन पॉइंट तो पता है ना सबको? हाँ। नरीमन पॉइंट पे बहुत अच्छा होटल है, ट्राइडेंट चले गए, ताज चले गए, इंटरकॉन्टिनेंटल चले गए, और वहाँ पे बैठ गए आप, ठीक है, कैंडल लाइट डिनर है, शाम का मौसम है, आपके साथ आपकी फियांसे है या गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है या जो भी है, वहाँ पे आप बैठे हैं, वो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपकी आंखों में आंखें डाल रहा है, बट आप क्या कर रहे हो? आप तो फिडल कर रहे हो, बराबर है ना? यू कांट कॉन्सेंट्रेट। फॉर वन मोमेंट यू हैव टू लुक इन योर मोबाइल फोन, अदर मोमेंट यू आर लुकिंग इन द सी, थर्ड मोमेंट यू हैव टू गो टू द वॉशरूम, फोर्थ मोमेंट यू आर कमिंग बैक, मैं फर्स्ट फ्लोर जाके आता हूँ, फिफ्थ मोमेंट अंदर ही मुझे कुछ बेचैनी हो रही है। तो बोलेगा यार ये प्यार मुझसे करता है कि नहीं? सो देर कैन बी इश्यूज इन योर रिलेशनशिप ऑल्सो। तो ये सबसे हमको समझना क्या है कि ADHD एक मेडिकल प्रॉब्लम है, सबको समझ गया बच्चों? सेकेंड थिंग, ये बच्चों में भी हो सकता है और बड़ों में भी हो सकता है। तो अगली बार अगर आपको कोई बोले कि तुमको शायद ADHD हो सकता है, तो उसमें क्या हुआ, बड़ों को भी होता है ऐसे बोलने का? परफेक्ट हो ना आप? तो आप लीड करने का इसमें मॉनिटर, ओके, वेरी गुड। सिम्टम्स क्या है समझ में आ गया? कैसे वो पेशेंट्स परेशान होते समझ में आ गया? अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो तो सब ठीक है, बट हाउ डू वी मैनेज दिस पीपल, उनको ठीक कैसे करें? प्रॉब्लम है, बीमारी है, हाउ डू वी ट्रीट इट? तो अभी उसके दो तीन तरीके होते हैं, विल डिस्कस दैट ब्रीफली। फर्स्ट इज मेडिसिन दो। क्यों मेडिसिन दो? क्योंकि जैसे मैंने बोला, सामने का हिस्सा जो है दिमाग का, वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, थोड़ा सा केमिकल प्रॉब्लम हो गया है, दैट इज वाई वो केमिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, केमिकल इम्बैलेंस को बैलेंस में लाने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं। समझे बच्चों? क्लियर देयर? दोज मेडिसिन आर ऑफ टू टाइप्स, मैं डिटेल्स में ज़्यादा जाऊँगा नहीं। वन इज स्टिम्युलेंट टाइप ऑफ मेडिसिन, अदर इज नॉन स्टिम्युलेंट टाइप ऑफ मेडिसिन। टेक्निकलिटीज में डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर डिस्कस करूँगा, अगर आपके किसी घर वाले को ADHD डायग्नोज हुआ है, आप डॉक्टर के पास, काउंसिलर के पास, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, किसी के भी पास जा रहे हो, और वो बोल रहे कि मेडिसिन देना पड़ेगा, आप थोड़ा वहाँ पे होशियार बनिए। कैसे होशियार बने मैं बताता हूँ। आपका थोड़ा सा कॉलर टाइट कीजिए वहाँ पे और बोलिए, डॉक्टर साहब, आर दीज मेडिसिन रियली नेसेसरी? उनको क्या पूछना है कि ये सही में ज़रूरी है क्या? क्योंकि जो माइल्ड केसेस होते हैं ADHD के, जिनमें बहुत प्रॉब्लम नहीं होता, वो कभी कभी थेरेपी से, बातचीत से, या फिर अलग अलग तरह के काउंसिलिंग टेक्निक से भी ठीक हो जाता है। हर बार मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती? पड़ती है या नहीं पड़ती? नहीं पड़ती। तो इफ़ योर डॉक्टर इज सेइंग कि आप मेडिसिन लीजिए, आप उनको पीछे पूछिए कि डॉक्टर साहब दूसरा कोई तरीका है? इफ ही सेज यस, अपन बाकी भी चीज़ें कर सकते हैं, फर्स्ट डू दोज। वो बोलते हैं नहीं, देन अग्री टू हिम एंड स्टार्ट टेकिंग द मेडिसिन। ओके, समझ गया सबको? सो वन इज मेडिसिन। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हम सब कर सकते हैं, इसके लिए डॉक्टर होने का जरूरत नहीं है, इज वॉट वी कॉल एज बिहेवियरल मैनेजमेंट। मतलब वो दिन भर ADHD वाला व्यक्ति कैसे रहता है, क्या करता है, उसको हम किस तरह कंट्रोल करें। ऑल राइट, डज एनीबडी हियर डील विद अ ADHD पेशेंट? यस मैम, क्या कौन है आपके रिलेटिव, इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग? Her father is not in the city and the mother is like, when her father will come, then I will take her to testing and all. And she even has intellectual difficulty with that. So I'm trying to work with her to channelize her energy and all. I
do running and jumping whenever, like, she stops paying attention. She will suddenly, she'll sit on the bench, she'll take out her shoes, she'll take out her socks and everything. We have introduced a behavior chart as well, but it's not working for her somehow. The teacher is also working. She doesn't write in class only. She doesn't write in class. Any which ways. यही example हम लेंगे और discuss करेंगे, ठीक है? So, उनके पास एक ऐसे बच्ची है, what is, which standard is she in? She is in class 2, एक class 2nd की बच्ची है उनके पास. आप सब कौन से class में हो? 7. तो बहुत छोटू सी, इतनी सी बच्ची है, दिखती भी नहीं इतनी छोटी है, ठीक है? तो that kid is there, और वो बहुत hyper है. जैसे मैडम ने बताया, कभी socks निकाल के फेंक देगी, कभी आप जो चेयर पे बैठे उस पे चढ़ के बैठ जाएगी, कभी टोपी फेंक देगी, कभी क्या करेगी, कुछ गारंटी नहीं है. तो सब बच्चे परेशान होते हैं ना, बाकी बच्चे देखते क्लास में तो हंसते नहीं है, कैसी है, करेंगे कि नहीं ऐसा. तो उसके लिए मैडम बहुत मेहनत कर रहे हैं. क्या क्या मेहनत कर रहे हैं वो उन्होंने बताया, और क्या क्या मेहनत कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ. पहली चीज जो मैंने बोला बिहेवियर मैनेजमेंट, उसमें क्या करना है हमको, हमको ये करना है कि हमको पता है ये बच्चे थोड़े हाइपर है, बट हमको उनको ट्रेनिंग देनी है, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट. नाम बहुत बड़ा है लेकिन मतलब बहुत आसान है. अगर वो कुछ अच्छा काम करते हैं, जैसे कि अगर मैं वो दोस्त 8 साल का बच्चा हूँ जिसको ADHD है, और मैं यहाँ पे चढ़ के बैठ जाता हूँ, यहाँ पे उतर जाता हूँ, जंप मारता हूँ, मेरे को मेरी टीचर आके बोलेगी कि सागर, मेरा नाम सागर है, डॉक्टर सागर, सागर एक काम करो, अगर तुम यहाँ पे 15 मिनट बैठते हो और प्रॉपरली करते हो काम तुम्हारा, तो मैं तुम्हारे को अगली यूनिट टेस्ट में 5 out of 5 ग्रेड्स दूंगी. तो अगर तुम कुछ अच्छा काम करते हो, मतलब क्या, एक जगह पे शांति से रह पाना, सो आई विल गिव यू गुड ग्रेड्स. सो इफ यू डू समथिंग गुड, देर विल बी अ पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट. तो मुझे लगता है डिफिकल्ट तो है 15 मिनट एक जगह पे खड़ा रह पाना, बट इट इज पॉसिबल. आई सी द इंसेंटिव, आई सी द रिवॉर्ड दैट आई एम गेटिंग. दिस हैज टू बी डन ऑन अ वेरी 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 रेगुलर बेसिस. पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट मतलब क्या, अगर आपकी फ्रेंड है, मान लो उसको ADHD, आप भी डॉक्टर बन सकते हो, अगर आपकी फ्रेंड है कोई, उसको अगर ADHD जैसा है, वो बहुत हाइपर रहती है, उसको बोलने का, मनीषा एक काम कर, तू अगर मेरे बाजू में ये पूरे लेक्चर में बैठेगी ना, तो तेरा होमवर्क मैं करूँगी, ऐसा से बोलने का उसको, और करने का भी. तो उसको लगेगा यार मेरा होमवर्क ये करेगी, या फिर मुझे तो अच्छा मिलने वाला है, तो शी विल एटलीस्ट ट्राई. समझे, समझे क्या? सो पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट, एवरीबडी इज क्लियर विथ इट? You have to do it repeatedly, bar 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 bar. It doesn't happen in one day. Second thing is, मैंने बोला आपको कि आप क्लास में, मैं लड़के को बोलता हूँ आप क्लास में आधा घंटा बैठे रहोगे, नहीं बैठे तो देखो मैं क्या करता हूँ, ऐसे बोल के फायदा होगा क्या? एक तमाचा लगाऊंगा अगर नहीं बैठे तो, देखो कैसे नहीं बैठते. मैं तो सलमान खान का भक्त हूँ, मैं तो सिर्फ लातों और बातों में ही बात करता हूँ, मैं तो सिर्फ लात लगाऊंगा वैसे बैठे नहीं तो. विल दिस वर्क फॉर ADHD? मारपीट चलेगी उसको? आप उसको मारने के लिए जाओगे ना, वो इतने तेजी से भागेगा, आपका वजन कम हो जाएगा, लेकिन उसको आप पकड़ नहीं पाओगे. और दूसरी बात, कितना भी आप उसको मारो उस पर कोई असर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उसके कंट्रोल में ही नहीं है, ही कैनॉट कंट्रोल इट. सो द सेकेंड पॉइंट इज, यू हैव टू अवॉइड नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट. मतलब अगर जैसा आपने बोला कि आपको एक लेक्चर में आधा घंटा यहाँ बैठना है, वैसा अगर बच्चा नहीं कर पाया, इफ ही इज नॉट एबल टू डू इट, आपको उसको पनिशमेंट नहीं देना है, उससे उसको बहुत फायदा नहीं होने वाला है. समझ गए? अच्छी चीज करता है तो उसकी सराहना करो, अच्छी चीज करता है तो उसको बहुत शाबाशी दो, वाहवाही करो, जैसे बोला है वैसे अगर नहीं कर पाता है तो उसको पनिश मत करो, उसको सिर्फ रिवॉर्ड मत दो आप. सो पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट एंड सेकेंड इज रिवॉर्ड अवॉइडेंस. तीसरी चीज, ऐसे बच्चे आपने देखा होगा बच्चों की, बहुत जो चुलबुल पांडे होते हैं ना, वो कभी कभी झगड़े बहुत करते हैं, मारापीट बहुत करते हैं क्लास में. लड़के जनरली, दो लड़कों का, लड़की आती है क्लास में, देखते रहते, दो लड़के एक दूसरे को मार रहे हैं ब्लैक बोर्ड के सामने, या फिर या गला पकड़ रहे हैं, या फिर शर्ट फाड़ रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं. और आप पूछते हो, आप एकदम, लड़कियां शांत होती हैं तो लड़कियां जाके पूछती है, अरे क्यों आप ऐसा कर रहे हो, तो उसने मेरे को ऐसा कर दिया, उसने मेरे को ऐसा कर दिया. अगर आप बोलेंगे इतनी छोटी बात के लिए कर रहे हो, तो कभी कभी अगर वो ADHD वाला बच्चा रहा तो बहुत चुलबुल होने के वजह से छोटी छोटी बातों पे भी लड़ाई झगड़ा कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है. तो वो झगड़ा करेगा, इसको हम हमारे मेडिकल भाषा में बोलते हैं एग्रेशन. एग्रेशन मतलब
गुस्सा मारूंगा. और ये ADHD वाले बच्चों में बहुत देखने को मिलता है. वी सी दिस वेरी कॉमनली. तो ऐसे टाइम पे क्या करने का, उसको मैनेज करने का. तू गुस्सा दिखाएगा तो मैं भी गुस्सा दिखाऊंगा, इट डजेंट वर्क, क्योंकि वो तो कंट्रोल में ही नहीं है. तो ऐसे टाइम बोलो टाइम आउट, टाइम प्लीज. ये आप गेम खेलते हो सब, टाइम प्लीज. भाग दौड़ जब करते अपन तो बहुत थक गए, टाइम प्लीज बोलते हैं. दो मिनट बोलते कि नहीं बोलते? वही चीज का यूज हमको इधर करना है. कैसे करना है कि अगर मैं हूं वो बच्चा ADHD वाला, ऐसे कैसे तूने मुझे बोल, ये पूरा मैं निकाल के, मेरे बाल उड़ रहे हैं, मेरा चश्मा फूट गया, सब मैं मार रहा हूं. वहां पे आप जाओ संत की तरह एकदम और बोलो टेक अ टाइम प्लीज. एंड पेरेंट्स ऑल्सो शुड डू दिस, टेक अ टाइम प्लीज. दो मिनट आप बाहर आ जाओ और शांत हो जाओ. ये बहुत आसान चीज लग रही है लेकिन वर्क बहुत करती है. दिस टाइम प्लीज वर्क्स वंडर्स. तो जब वो गुस्सा हो रहा है, जब ऐसा कुछ कर रहा है, तो आपको क्या करना है? टाइम प्लीज, टाइम आउट. और बोलो कि ये पीरियड कूलिंग पीरियड है, तुम शांत हो जाओ, आराम से हो जाओ. चलेगा? ये करेंगे? तो पहली चीज दैट वी हैव लर्न टू मैनेज ADHD इज दैट यू गिव पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट. सेकेंड थिंग इज इफ दे आर नॉट डूइंग समथिंग प्रॉपरली यू अवॉइड पनिशिंग देम. थर्ड थिंग इज बिकॉज दे आर वेरी अग्रेसिव समटाइम्स, you use a very simple strategy of time out, that will just cool them off for some time. Fourth thing is that you can do is, as ma'am very correctly said when we asked her, ye bachcho mein na excess energy hoti hai. Aise hote hain ye bachche ki inhone 4-5 jo energy drink aate hai na, kaun si energy drink pata hai aapko? Milk wali nahi, koi achhi energy drink, Red Bull. Aisa hota hai ki unhone 24 ghante 3-4 Red Bull peeke hi hai. So they have that excess energy inside of them. So this excess energy has to be channelized properly. All right? ये जो extra power है उनके पास, इस extra power को अपने को सही दिशा में लेके जाना बहुत जरूरी हो जाता है. For that what you can do? You can give them a lot of physical exercise. आप रोज, आपको बहुत घूमना पसंद है ना, अगर मेरे को ADHD डॉक्टर, आपको घूमना पसंद है ना, रोज 1 घंटा आप दौड़ लगाओ. क्या होगा उससे? जो एक्सेस एनर्जी है मेरे अंदर, दैट विल बी चैनलाइज्ड इन अ गुड वे एंड देयरफॉर द ADHD सिम्टम्स माइट रिड्यूस अ लिटिल. थोड़े सिम्टम्स कम हो जाएंगे. समझ गया? फिजिकल एक्सर्शन कराना है तो आपके, बेटा आपका क्या नाम है? हितल. आपकी कोई ऐसी फ्रेंड है जो बहुत ज्यादा हाइपर है? एक भी नहीं है? नहीं. आपकी, आपकी मतलब कहां से आए हो आप बच्चे? आप लोग के क्लास में एक लड़का, बोलो. उसका नाम योगेश है. योगेश है क्या यहाँ पे? आज वो नहीं आया. आज यहाँ पे नहीं आया, वो शायद कहीं तो जंप फॉर्म कर रहा है. नहीं, वो उसके घर पे, घर पे गया है. तो योगेश क्या करता है मेरे को बताइए? वो है ना, कभी लड़के लोग के साथ मारा मारी करता है, कभी कभी टीचर लोग को भी मतलब देता है, समझाते तो टीचर लोग को भी चिल्लाता है. हम लोग लड़के लोग उसके साथ बात करेंगे तो हम लोग को भी चिल्लाता है. ऐसा करता है वो? अच्छा, अभी आपको, अभी तक आपको क्या लगता था क्यों करता है वो ऐसा? I don't know. अभी क्यों करता है, क्या लगता है? अभी मैं इतना सब भाषण दिया, उसके बाद क्या लगता है? वो शायद से बहुत हाइपर होता है, उसको ADHD. उसको शायद ADHD हो सकता है. हो सकता है, पक्का नहीं, मैं सिर्फ एक आपको एक अंदाज दिया हूँ. तो ऐसे बच्चे को शायद ADHD हो सकता है. तो उसका जो एक्सेस एनर्जी है, उसमें जो एक सुपर ह्यूमन पावर आ जाता है कि भाई अंदर कुछ ना कुछ करना है, करना रहता है. ओके. उसमें जो एक्स्ट्रा पावर होता है वो अभी उसको मारने पीटने में यूज कर रहा है, एकदम से कुछ बोल दे रहा है. उसी को अगर आप बोलेंगे कि योगेश, आप सब उसको अगर बोलेंगे योगेश आपको रोज 1 घंटा दौड़ लगानी है, तो उसके ये ADHD वाले जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे कम हो सकते कि नहीं हो सकते? Am I audible? All right. तो एक्सरसाइज कराना है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे आप ही आंसर देंगे, जो आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा दिन भर करते हैं घर पे गए कि एक ही चीज करते हैं. बच्चे आजकल क्या करते हैं? मोबाइल खेलते हैं. सबको पता है, कोई नहीं बोल रहा कि हम खेलते हैं, कोई नहीं बोल रहा हम खाते हैं, सब बोल रहे जाके मोबाइल ही खेलते हैं. एवरीबडी, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, आजकल तो ऐसा हो गया कि बच्चा माँ के पेट से निकलता है और बाजू में मोबाइल फोन रखा हुआ होता है उसके लिए, है ना? होता है कि नहीं होता है? दिस इज हिज फर्स्ट स्मार्टफोन ऑन फर्स्ट डे ऑफ हिज लाइफ.
अभी उससे प्रॉब्लम बढ़ता है या प्रॉब्लम कम होता है, क्या लगता है आपको? समझदार बच्चे, माय गॉड, सो समझदार. ओके, सो क्या प्रॉब्लम बढ़ता है बच्चों उससे? व्हाट हैपेंस? हाँ, व्हाट हैपेंस? आंखों को प्रॉब्लम होती है. ब्रेन भी नहीं चलता है. आगे जाके. अभी तो चल जाएगा, बाद में नहीं चल. अच्छा, वेरी गुड. तो मेरे को बताइए मैडम, आपका नाम क्या है? प्रीति ने जो बोला इस चीज से, हाउ मेनी पीपल आर सहमत? प्लीज रेज योर हैंड्स, इवन द पीपल बैक, नॉट ओनली स्टूडेंट्स. मोबाइल फोन इज समथिंग दैट एवरीबॉडी इज एडिक्टेड टू. आई मायसेल्फ आई एम इंक्लूडेड इन दैट. ओके, तो एवरीबॉडी इज अग्री टू दैट ना, व्हाट शी इज सेइंग. बट हाउ मेनी आर फॉलोइंग थ्रू एंड नॉट यूजिंग देयर मोबाइल फोन्स ऑन अ डेली बेसिस? कौन है वो महाशय? ओ माई गॉड, सुपर मैम, दैट्स ग्रेट. एटलीस्ट वी हैव वन पर्सन जो रोज मोबाइल फोन यूज नहीं करते है. आपको तो सब समझ रहा है बच्चों, देन व्हाई आर यू यूजिंग? चलो ठीक है, चलेगा, विल गिव यू दैट. आपको सबको पता कि मोबाइल फोन से इतना खराब होता है, तो फिर आप यूज क्यों करते हो? क्यों करते हो? नेसेसिटी है सर, बच्चे बैठे हैं, नेसेसिटी मत बोलिए यहाँ पे आप. ऑफिस वर्क भी मोबाइल से चलता है. ओके, बट बच्चों का चलो, बच्चे तो ऑफिस नहीं जाते ना, व्हाट अबाउट किड्स? सो इज इट रियली नेसेसरी किड्स? नो, सर्च करके हम लिख सकते हैं. अच्छा, तो आप गूगल करते हो? यस. और राइट, और टेक्स्टबुक? टेक्स्टबुक का मतलब उसमें जो समझ नहीं आता है वो भी गूगल पे सर्च करके हम लोग, वो भी बस उसके लिए यूज करते हो? यस. और कौन सी चीज, कौन सा गेम खेलते हो? पबजी खेलते हो? नहीं. पोकेमॉन जी? और क्या करते हो फिर? उसमें गेम खेलते हो ना. yes. तो पहले गूगल करते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस देखा, उसके बाद लेट्स प्ले पबजी, लेट्स प्ले पोकेमॉन जी. ठीक है, इट्स एटलीस्ट यू पीपल रियलाइज दैट बहुत अच्छी चीज़ नहीं है वो. अभी मैं इतना सब प्रवचन क्यों दिया? सो दैट ADHD टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये मोबाइल एडिक्शन पे कहाँ से चले गया? बिकॉज इन ADHD किड्स हमें भी प्रॉब्लम हो रहा है. तो जिनको ADHD है, मान लो मैं ADHD वाला बच्चा हूँ, मेरे हाथ में दिया है मोबाइल फोन. ओके, अभी पहले ही मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ, पहले ही मैं बहुत हाइपर रहता हूँ, तो मैं एक ऐप खोलूँगा व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे एक दो चीज़ देखा, फिर इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पूरा खत्म नहीं हुआ तब तक मैं यूट्यूब पे हूँ, यूट्यूब खत्म होने तक आई एम ऑन गूगल. पहले से ही मेरा जो डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, पहले से ही मेरा अटेंशन स्पैन कम है, मोबाइल इज हेल्पिंग इंक्रीज दैट डिस्ट्रैक्शन स्पैन. पहले ही अटेंशन मैं ध्यान से दे नहीं पाता किसी चीज़ पे, ये तो बढ़ रहा है ना उससे. तो इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स हैज़ ADHD, किसी को ADHD अगर है, तो आपको एक इंश्योर करना है कि उनका मोबाइल फ़ोन, किसी भी तरह का स्क्रीन यूसेज, मतलब iPad हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, इवन TV हो सकता है, जितना कम हो उतना अच्छा या बुरा? अच्छा. और ये चीज़ हम सब पे भी लागू होती है, बट ADHD वालों में तो और भी ज़्यादा. सो यू हैव टू रिड्यूस द डिस्ट्रैक्शंस ऑफ स्क्रीन, समझ गए? After that, what else can you do to manage ADHD? Exercise करा लिया, उनका distraction कम कर दिया, और क्या क्या कर सकते हो? Yes, madam. Like we have tried breathing exercises and counting. See, has anyone of you ever felt very, बहुत चिंतित? Exam के पहले कैसे tension आता है? आप सबको आया है tension? तब क्या करते हो आप? Restless लगता है ना थोड़ा? तो क्या करते हो तब? कोई लोग भगवान का नाम लेते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि भाई मेरे आगे वाला जो बच्चा है वो बहुत होशियार हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं. कोई बोलता है कि मैं थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेता हूँ जिससे मुझे शांत लगे. कोई पानी पीता है. तो बेस्ट तरीका जो है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज का है, जिसमें आप 10 बार उल्टा गिनती करो, एज मैम सेड, फ्रॉम 10 to 1, 100 to 90, लाइक 100 एक लंबा सांस लिया, खाली 99, यू टेक डीप ब्रेथ इन. करना है यहाँ पे एक्सरसाइज, करेंगे? अभी ऐसा सोचो, ऑल ऑफ यू, दैट एग्जाम का पेपर आपके सामने है, आ गया पेपर आपके सामने, वो जो पेज खोलेंगे आप, वहाँ पे पेपर ही है, डॉक्टर वाहियास पेपर फॉर ब्रेन, हाउ यू हैव डन. ठीक है, बाहर सब जो देख के आए वहाँ पे पढ़ाई, आपका पेपर आ गया है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. यू आर लाइक, यार आई हैव रेड ऑल ऑफ दिस, मैं सब पढ़ा बाहर, बट मुझे याद कुछ नहीं आ रहा है. सबने इमेजिन कर लिया ऐसे? नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, अभी हमको शांत हो जाना है. कैसे शांत होना मैं बताता हूँ.
आंखें बंद कर लो दो मिनट के लिए, मैं भी आंखें बंद कर रहा हूं देखो, और अभी अपने को उल्टा गिनती चालू करना है और लंबा सांस लेना है। 10, आप मत बोलिए, मैं सिर्फ बोल रहा हूं आपके लिए। डीप ब्रेथ इन, 9, आराम से लीजिए सांस। 8, 7, लंबा सांस। 6, 5, सुपर। 4, 3, 2, 1, एंड स्लोली ओपन योर आइज। अभी थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, अभी वही पेपर को देखो कितना आसान हो गया। ऑलराइट, सो दिस यू कैन डू इवन टू ADHD किड्स, लेकिन क्योंकि वो बेसिकली बहुत चंचल है, बिकॉज दे आर अ लिटिल इम्पल्सिव, उनको आपको छोटे छोटे स्पैन्स में करना होगा। सो यू कैन टेल देम 100 to 90, यू कैन टेल देम 100 to 95, 5 बार करो। देन यू कैन इंक्रीज स्लोली स्लोली, इफ दे कैन डू 5 टाइम्स, मेक इट 7, देन मेक इट 10, देन मेक इट 20। तो धीरे धीरे करके उनका इम्पल्सिविटी जो हम बोलते हैं, चंचलता जो बोलते हैं, वो कम हो जाएगी। ये कर सकते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ऑलराइट, वन मोर थिंग इज, इफ जस्ट गिव मी दिस, ये भी दीजिए, मैं खाऊंगा नहीं, आपको दूंगा। ओके, अभी मान लो ये एक बुक है और ये भी एक बुक है, ये बहुत थिक बुक है ना, 600 पेज है इसमें, इसमें कितने पेज है, 50 50 75, मतलब देख लिया आपने क्रिश की नज़र से। ऑलराइट, सो लेट्स से दिस इज 50, दिस इज 500। अभी मैं ADHD वाला बच्चा हूँ, एग्जाम है, ADHD वाला बच्चा हूँ, 500 पेज, पहले ही मैं टेंशन में, नॉर्मल बच्चा भी टेंशन में आ जाएगा, मेरा तो पहली अटेंशन स्पैन कम है, मैं तो ज़्यादा फोकस नहीं कर सकता, मैं तो इधर उधर घूमता हूँ। 500 पेज मैं शुरू करूँगा, 10 पेज तक तो मैं कहीं भाग जाऊँगा, करेक्ट। और मेरा एम क्या है, क्योंकि कल एग्जाम है, मुझे पूरे 500 पेज ख़त्म करने हैं, ठीक है, तो मेरा एम है 500 पेज ख़त्म करना बिफोर द एग्जाम, बट बिकॉज माई अटेंशन स्पैन इज़ नॉट वेरी हाई, मैं वो कर नहीं पाता हूँ। अभी उसी चीज़ को हम एक करते हैं, होशियारी करेंगे। यही बुक को मैंने 10 टुकड़े कर दिए और ऐसे 10 बुक बना दिए, और मैंने वो ADHD वाले को बोला, मैंने वो बच्चे को बोला, सागर को ऐसी किसी ने बोला, सागर एक काम कर, तेरे को सिर्फ एक टास्क है, एग्ज़ाम कल है ना, एग्ज़ाम कल देना, तू भी एक घंटे में ना, अगले एक घंटे में सिर्फ ये बुक पढ़ ले, 50 पेज का तो बुक है, पढ़ ले। मैं भी खुश आ रही, 50 पेज का, 500 का, 50 का पढ़ लिया, फिर उसके बाद मैं थोड़ा हाइपर हूँ तो मैं 15-20 मिनट घूम लूँगा, उसके बाद वापस यू कॉल सागर, सागर ये दूसरा बुक ले, ये भी 50 पेज का, दैट वे एटलीस्ट ही विल रीड 5 to 6 बुक्स। एक 500 का देंगे तो ही वॉन्ट बी एबल टू डू इट। सो द पॉइंट इज, सही सलामत दे दिया, सो द पॉइंट इज यू हैव टू ब्रेक अप अ बिग एक्टिविटी, बड़े चीज़ को छोटे 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 हिस्सों में आपको करके देना है। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स कैन यू डू, एनीथिंग एल्स? यस, व्हाट हैव यू ट्राइड? On her, and the other girl also helps her whenever, like, she gets really hyper and starts running around the class. So she also helps her. And since I told you she doesn't write, so both of the teacher and her friend, both of them motivate her to write. All right. One thing is that you have to understand that you can never give up on a person who's having ADHD. मैं तो 4 दिन से इसको बोल रहा हूँ, पढ़ रोज बैठता हूँ, 15 मिनट के ऊपर बैठता नहीं है, 4 दिन नहीं, 40 दिन नहीं, 400 दिन बैठना पड़ेगा, क्योंकि वो भी कोशिश कर रहा है बैठ के लिखने की, बट वो कर नहीं पा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है। सो कर नहीं पा रहा है, वहां पे यू हैव टू गिव दैट सपोर्ट, यू हैव टू क्रिएट अ सपोर्ट सिस्टम फॉर हिम कि ओके, डू व्हाटएवर यू कैन, वी आर देयर फॉर यू, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू टू मैनेज अ पेशेंट ऑफ ADHD बिहेवियरली। एक हो गया मेडिसिन दे देने का सबसे आसान तरीका, लेकिन वो हर बार देना नहीं अगर जरूरी नहीं है तो। सेकंड इज जो अभी हम सब डिस्कस किए, बिहेवियरल मैनेजमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स कैन यू डू, और कुछ कर सकते हैं? खान पान में अच्छा खिलाओ। अभी आप कभी भी जाते होंगे आपके फैमिली डॉक्टर के पास, तो आपकी मम्मी पूछती होंगी, डॉक्टर साहब इसको क्या खिलाऊं किसका दिमाग अच्छा चले, पूछती है कि नहीं पूछती? तो किसी को पता है ADHD के लिए ऐसा कोई खास खाना हो जो खाया और ADHD गायब? नहीं पता ना, ऐसा है भी नहीं क्योंकि कुछ, ठीक है। बट थोड़े बहुत स्टडीज हुए हैं, ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग जो रहते हैं ना, वो स्टडी करते रहते हैं,
तो उन्होंने एक स्टडी में ऐसा पाया है या बहुत स्टडीज में पाया है कि कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट जैसे विटामिन वगैरह खाते हैं ना अपन, कैल्शियम गोली, विटामिन गोली, वैसे कुछ सप्लीमेंट्स है विच आर कॉल्ड एज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. क्या बोलते हैं उसको? फैटी एसिड नहीं, ओमेगा 3 फैटी एसिड. फैटी एसिड खाओगे सिर्फ तो फैट हो जाओगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड खाओगे तो दिमाग ADHD में थोड़ा अच्छा हो सकता है, गारंटी नहीं है बट हो सकता है. ठीक है, तो आपके जो भी रिलेटेड वाले लोग हैं यू कैन टेल देम दैट, एक खाना उनको अच्छे से खिला सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स कैन यू डू? एनीबडी वर्किंग विद ADHD पीपल कैन? यस सर. प्ले थेरेपी, राइट? प्ले थेरेपी मतलब कुड यू इलैबोरेट व्हाट डू यू मीन बाय दैट? Like adding some rules to the game, because children with ADHD basically they don't follow rules and their turn taking is also affected. So correct. Putting more and more rules in games can be helpful. Yes. So play therapy matlab kya? You play games and that is treatment. Such a nice thing na. But whatever game you are playing, let's say you are playing cricket, you have to introduce rules. Matlab kya ki this ADHD guy will be like, मेरे को पहले बैटिंग. No. Tell him that you will go to play when there are two batsmen who get out. And till then you have to wait. Till then you have to learn to wait. That is one play therapy. Other play therapy could be that he wants to keep bowling every over. But you tell him, you bowl the first over, then wait for 3 overs, then bowl the next over. So you are telling him that you have to learn to wait. हर चीज आपको तभी की तभी मिल नहीं सकती. इस चीज का training कर रहे हैं कैसे? पनिशमेंट देके नहीं, थ्रू प्ले. ऑल राइट, सो दैट इज यू वन थिंग दैट यू कैन डू. ऑल राइट, दीज आर द मेजर थिंग्स दैट वी कैन डू. मैंने एक छोटा सा निमोनिक बनाया है टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि अगर ADHD वाला आता है तो वॉट टू डू फॉर दैट, जिसको हम बोलते हैं डिजायर, DESIRE. डिजायर मतलब क्या है? वॉट डज डिजायर मीन? इच्छा. डिजायर मतलब इच्छा. ओके, इच्छा. सो आई विल जस्ट टेल यू वॉट ईच ऑफ दीज वर्ड्स मीन्स एंड परहैप्स इट विल हेल्प यू. डिजायर में का डी इज पहले डायग्नोसिस. डायग्नोसिस तो होना चाहिए ना, ये ADHD है या नहीं. अभी अगर मैं जाता हूँ डॉक्टर के पास क्योंकि ये बहुत घूमते रहता है इधर उधर, मेरा पहले डायग्नोसिस तो होना चाहिए कि ADHD है, मलेरिया है, डेंगू है, जो भी है कि नहीं. क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही हाइपर होते बट दे आर नॉट ADHD. तो पहले डायग्नोसिस होना जरूरी है. डायग्नोसिस हो गया, ओके, है ADHD, तो कोई डरने की बात नहीं. वॉट वी कैन डू इज डिजायर में का ई इज वॉट? एजुकेशन. ADHD के बारे में एजुकेशन, जानकारी कि ये ADHD क्या है, ये मेडिकल प्रॉब्लम है, ये सबको समझ गया. ये बच्चा जानबूझ के नहीं करता, ये सबको समझ गया. इसके लिए शायद थोड़ा सा मेडिसिन का जरूरत पड़ सकता है, ये समझ गया. मेडिसिन नहीं तो थोड़ा सा इनको हम जिस तरह से बातचीत करते हैं, किस तरह इनसे डील करते हैं, वो ठीक हो जाना चाहिए. ये सब एजुकेशन मिलना चाहिए आपको, नहीं तो माँ बाप मारेंगे अगर एजुकेटेड नहीं है वो बीमारी के बारे में. सो फर्स्ट इज यू डायग्नोज द कंडीशन. सेकेंड इज ई से यू, व्हाट डू यू डू? एजुकेशन. देन कम्स एस. एस से बहुत ज़रूरी चीज़ है जो ADHD वाले नहीं कर पाते, दैट इज प्रोवाइडिंग देम अ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर मतलब अगर मेरे को बिल्डिंग बांधनी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग, बॉम्बे में आपने देखी ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग है. कौन सी सबसे बड़ी बिल्डिंग है? कोहिनूर प्लाजा, दादर सर्कल पे जो है. तो मेरे को बताओ अगर उसका बेसिक स्ट्रक्चर बराबर नहीं रहेगा, मतलब जो आर्किटेक्ट बना रहा है उसको अगर पता नहीं, वो अगर ADHD वाला है तो वो तो एक दिन बनाएगा कोहिनूर प्लाजा 100 माले का, एक दिन बोलेगा 15 माले का, एक दिन बोलेगा 50 माले का. ही विल नॉट हैव अ बेसिक ग्राउंड वर्क. वही इफ यू प्रोवाइड देम विद अ स्ट्रक्चर कि अगर किसी बच्चे को ADHD है, सो दीज आर योर मॉर्निंग मील टाइम्स. आफ्टरनून में आपको ये करना है, जब आप घर पे आते हो तो एक घंटा आपको ये करना है. इफ़ यू रेगुलराइज दैम, गिव देम अ स्ट्रक्चर टू वर्क अराउंड, दे विल डू मच बेटर. ऑर्गेनाइज देम. वो खुद ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते खुद को, तो यू हेल्प देम टू गेट ऑर्गेनाइज. समझ गए? डी से क्या है? डायग्नोसिस. ई से एजुकेशन. एस से स्ट्रक्चर. फिर आता है IRE. IR इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या मतलब है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी? बड़ा बड़ा नाम. इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अगर मुझे ADHD है सो आई एम रिस्पॉन्सिबल. बहुत बार क्या हो जाता है कि मेरा मम्मी जाती है, मेरा बच्चा तो अच्छा है, वो टीचर ही ऐसे इसलिए वो ऐसे ऐसे चुलबुल जैसे करता है. मेरा बच्चा तो अच्छा है लेकिन उसने मारा इसलिए उसने वापस मारा उसको. तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि ठीक है
मेरे बच्चे को, मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे पति को, मेरे वाइफ को ADHD का प्रॉब्लम है. बिकॉज ओनली वैन यू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इंडिविजुअल कि आई हैव दैट प्रॉब्लम, आई मेक इट माई ओन, ओनली देन आई विल बी एबल टू ओवरकम दैट और एटलीस्ट स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ओवरकमिंग इट. तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है, डोंट ब्लेम अदर्स फॉर दैट. ऑलराइट, क्लियर क्लियर. और ई से आखिरी में क्या है? आई आर, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया. ई से क्या है? भूल गया मैं, आई ओनली फॉरगॉट, आई डोंट नो. सो दिस कैन हैपन विद पीपल ऑफ ADHD, दे माइट नॉट रिमेंबर व्हाट इट इज. तो मैं ऐसे ही बोला डिजायर. ऑलराइट, सो यू हैव गॉट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका आ गया है ADHD के बारे में. आया या नहीं आया? यहाँ पे सब लोग अच्छे से बैठ पाए हैं ये लेक्चर में, इसका मतलब किसी को ADHD हो सकता है क्या यहाँ पे? जो है चांसेस कम है, किसी को हो भी सकता है लेकिन उसने बहुत कोशिश किया कि यार कोई मुझे देखना ले, ADHD वाला जा रहा है ऐसा बोलेंगे. तो हमको क्या करना है, अगर कोई ऐसा है तो उसको धिक्कारना नहीं है, उसको स्टिग्मेटाइज नहीं करना है, उसको ऐसा नहीं बोलना अरे तू तो क्या, तू तो दिमाग में तेरे लोचा है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है. वी हैव टू एक्सेप्ट देम, क्योंकि ये जनरली बच्चों में होता है. और अगर बाकी बच्चे उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तो उसको ट्रीटमेंट जल्दी मिलेगा, ट्रीटमेंट जल्दी मिलेगा तो अच्छा जल्दी होगा, अच्छा जल्दी होगा तो वो एक बहुत बड़ा आदमी बन सकता है. अभी एक मैं लास्ट में एंड करने के पहले एक बहुत अच्छा सवाल पूछता हूँ, एंड आई वॉन्ट यू टू गिव मी दी आंसर. एक बहुत बड़े 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 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, परहैप्स द ग्रेटेस्ट ओलंपियन ऑफ ऑल टाइम पीपल से, उसको ADHD था बचपन में. कैन एनीबडी टेल मी, रेज देयर हैंड्स एंड टेल मी. माइकल फेल्प्स, पता है किसी को माइकल फेल्प्स? एनीबडी हर्ड ऑफ द नेम माइकल फेल्प्स, स्विमर? उसको 15-20 गोल्ड मेडल मिले. माइकल फेल्प्स, आप जाके गूगल करो, एकदम सा एक स्मार्ट बंदा आएगा माइकल फेल्प्स. ऑलराइट, तो ही हैड ADHD, मतलब बचपन में ही वॉज ऑल्सो हाइपर, वो भी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं कर पाता था बहुत देर के लिए, बट विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट वो अच्छा हो गया. और उसने क्या किया, अपना जो एक्सेस एनर्जी है, जो 3 रेडबुल वाला एनर्जी है, उसने उसको डाइवर्ट किया. किस चीज़ में डाइवर्ट किया? स्विमिंग में. तो मैंने क्या बोला था, एक ट्रीटमेंट क्या है, फिजिकल एक्सर्शन करना, बिकॉज जो एक्सेस एनर्जी है दैट नीड्स टू बी चैनलाइज, नॉट कंट्रोल, नॉट सप्रेस्ड. तो माइकल फेल्प्स ने किया तो कोई भी कर सकता है ना. वो तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत गया. सो नेक्स्ट टाइम इफ यू सी एनी ऑफ योर फ्रेंड्स, कॉलीग्स, दोस्त, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी है जिसको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, यू विल नॉट स्टिग्मेटाइज. आप उसको धिक्कारेंगे नहीं, आप उसको बोलेंगे नहीं ये तो ऐसे ही कुछ भी करते रहता है, ये तो ऐसा ही है. आप उसको शांति से बैठाएंगे. वो शांति से बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा वो शांति से बैठाने जाओगे तो भी, बट आप कोशिश करते रहोगे और धीरे धीरे उसको या उसके परिवार को समझाओगे ताकि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले और आपकी तरह बहुत अच्छा होनहार बच्चा बन पाए. ऑलराइट, आई होप यू एन्जॉयड, आई होप यू अंडरस्टूड ADHD. ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू टू आरती, थैंक यू टू डॉक्टर वाहिया सर फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मजा आया. आई रियली एन्जॉयड माई सेल्फ विथ ऑल द adults and the kids. I really enjoyed. Thank you. Thank you, Dr. Sagar. We'll be taking questions now. Does anyone have a question for Dr. Sagar? Doctor, in ADHD patients, do they also keep falling? Yes, yes. Yeah. See, they keep tumbling all over the place. So, if... Even if they're adults? Less so, but yes, it can happen. Aisa nahi ki it can't happen in them. बट इन चिल्ड्रन, सी ऑल चिल्ड्रन फॉल, ऑल चिल्ड्रन, सबको यहाँ पे मार लगता है या नहीं लगता है गिरते वक्त? बट इफ यू हैव समवन हु इज फॉलिंग ऑन अ वेरी डेली बेसिस, या फिर हर हफ्ते में वो गिर के उसको एक तो यहाँ पे एल्बो पे मार लगा है और ही इज गॉट हर्ट ऑन द नीज, देन येस ही माइट हैव ADHD, वेरी वेरी हाई टेंडेंसी. ओके, अनदर क्वेश्चन इज दैट आई नो सम पीपल हु आर वेरी लाइवली, मींस इन एडल्ट्स आल्सो माइट बी चिल्ड्रन, बट दे आर समटाइम्स considered to be having ADHD. They can talk on different topics, they can, you know, get into many things at one time, like multitasking. So why are they actually sometimes categorized like ADHD? Lack of information, because people feel that anybody who is multitasking perhaps, or anybody who's put his hand into 4 things at one point of time is ADHD, which is a myth, which is wrong. If they are multitasking and if they're able to do the work, see, trying to multitask and actually going ahead and multitasking are 2 different things. Koshish kar raha hun lekin ho nahi pa raha, then it could be ADHD. But agar main 4 cheez kar pa raha hun ek din mein,
साथ में मैंने जो लिया देन आई कैन कंपार्टमेंटलाइज इनफैक्ट दैट इज इनफैक्ट बेटर. और वो जो एक मिथ है इट इज बिकॉज सोसाइटी फील्स हाइपर पर्सन ADHD. दैट्स इट. एंड वन मोर थिंग इज दैट sometimes a person may at a certain day during certain stress or some tension get hyper. So that type of people are also categorized at times as ADHD. No, that is anxiety, madam. ADHD means what? Primarily distractible hai, hyper hai, impulsive hai. See, if I have an exam tomorrow and that is a stress, or if somebody has some interview tomorrow, job interview tomorrow, that is some sort of a stress. If there that person is like outside the interview room, he's sitting for 5 minutes, going and having water, coming back, talking to the other person, going through his papers, that is not ADHD, that is anxiety, that is bechaini, jo ek normal thing hai before a big thing. So that's not ADHD at all. Okay, and like to specify really that this person has got ADHD, like what is the best way, a test that you could do? Okay, see, there are some psychological tests. There's no blood test, ki a blood test kiya and you'll be able to like malaria, there's nothing for that. There are some psychological question answer type tests that give you a good enough idea. But what I personally prefer or what I personally believe is you go to a psychiatrist or a psychologist who have dealt with ADHD, take your kid or take that person, and within half an hour of interview and what you tell about your patient, the psychiatrist or psychologist will be able to give you a good enough idea. I think that is the best parameter rather than going to any test. Okay, so anger is also a part of it. Anger can be a part of it. Getting angry could be a part of it. See, now let's say I have a friend, okay, I have a friend and that friend is telling me all sorts of bad things. Am I going to get angry or not? Internally at least I will. Kisi ko bhi gussa aayega na, if somebody is abusing me on the road, I'll get angry. But some people express it right away. Somebody comes and tells, oh, how are you driving, this and that. So I'll be like, acha, yeah. ADHD guy, because he's impulsive also. Impulsivity. Not thinking through before reacting. Wo tab ki tab react kar dega. And anger express ho jayega. Mujhe agar ADHD nahi hai, what I'll do is, I'll soak in the anger. I'll think through how I have to respond. So somebody might feel, okay, he was told so many things, but he did not get angry. So I got angry, I did not express it. ADHD person, because he is very impulsive, whatever comes in his mind, there is no stop button. You can't say this out loud, he'll just say it out loud. So he'll seem angry. You got the difference? Super. Yes, ma'am. Doctor, will you associate not listening to ADHD? Yes. There are, yeah. Because my kid, most of the time he'll listen, but when he doesn't know the other person, he won't listen at all. Now see, if he knows the person, does he pay total attention? If you are talking to your kid, or if your husband is talking to the kid, or if somebody close is talking to the kid, does he pay enough attention? Then it's not ADHD. ADHD means inattention is there. You can't pay attention. So if I have ADHD and my best TV program is also going on, still I will be all over the place. Padhai karte vakt to nobody wants to study, so everybody will be all the place. But even activities that I enjoy, that I won't be able to do. Yeah, because most probably they'll watch TV or the favorite channel for maybe 2 hours. Then it's not at all ADHD. Yeah. Not at all. Then he's enjoying himself. Thank you. Yeah. Yes, ma'am. Sorry? I had once read that there's a 1 in 5 chance that a female kid with ADHD would be recognized as opposed to a male. Why is that so? Society? There is 1/5 chance. Mm-hmm. So for every one male that is diagnosed, there's only 1/5. That's what you're saying. Yeah. So like for every one male that is recognized for all the ADHD kids that are there, there's only 1/5 female that will be recognized. All right. See, there are 2-3 reasons for this. At least that is what I can think of. I have not read this statistic, but overall ADHD is more common in males. That is one thing. It's not by a very big number, but it is like the preponderance is higher in males. That is one. Second thing is, generally males, when they are ADHD, you know, they I don't know, perhaps the parental concern sadly in our country still is more, if the male is doing such a thing,
therefore he is taken to the doctor immediately. That is the only, those are the only two things that I can think of. The preponderance is definitely a little lesser in females, but then the awareness is also lesser as far as the females are concerned. Because females, even if they are ADHD, they won't go and fight. Generally they won't. They'll be hyper, but they won't go and fight because they don't have that masculine instinct. Males, on the other hand, if they have ADHD, they'll be like fighting in the class, they'll be all over the place, they'll be hitting guys. Dikhana hi padega na doctor ko. Perhaps that could be the reason. Apart from that, I can't think of anything. Yes, madam. So I had interned at a hospital. So there I had seen there are kids who have ADHD, but they are calmer or they deviate their energy when they are playing video games or on the phone. All right. So how do you restrict that? Because you said restrict the screen use, but they are calm. They are diverting their energy over there. Okay. Then first of all, I'll be very doubtful whether it is ADHD or not. Perhaps there is a case of over-diagnosis, you know, wishful diagnosis, ki if he's just a little hyper and then you just diagnose, brand him as ADHD, that could be one of the reasons. That could be one of the major reasons. Second, it could be mild ADHD and that person is on some medicine, some atomoxetine or something, because of which his symptoms are under control. Third thing is, if he still has ADHD and he's indulging in the screen time, then you replace that screen time with something that is physical activity. That will work. You replace it with study, it will not work. You replace that screen time with something that he enjoys. It could be football, cricket, basketball, dancing, anything that requires some activity of his hands and legs, it will work. Yes, madam. Yeah. Also, are there chances kids or adults with ADHD are more inclined to violent games or violent acts? Violent acts, yes, because they don't have good self-control. Violent games is a matter of chance what online game you stumble upon. Sorry, what? The toys, fidget spinners. Yes. So is there really any evidence whether it helps them? No, there's no real evidence. Perhaps it just gives you something to do with your ADHD, but it works in some patients, it doesn't work in some patients. I have not read many reviews saying it is a very good treatment for that. Whatever personal experience I have, it is not something which really brings about a big change. It's more, I think it's more of a marketing stunt. Yes, sir. डॉक्टर आशुतोष शाह एंड आपके ये बढ़िया लेक्चर के लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज हो जाए. थैंक यू सर. अगर आपकी अनुमति हो तो थोड़े से पॉइंट्स ऐड करूं सर प्लीज. देखिए ADHD जो है वो एक टाइम का डायग्नोसिस नहीं होता है कि एक सिचुएशन में अगर बच्चा थोड़ा हाइपर एक्टिव है तो सीधा उसको लेबल कर दिया. और कोई भी बच्चा आमतौर से 7 साल की उम्र के पहले ADHD डायग्नोस नहीं करते. और ज़्यादातर के हम देखते हैं कि दो सिचुएशन में अगर ADHD है, यानी कि स्कूल में है, खेल में है, घर पे है, फिर जाके, यानी जैसे डॉक्टर सागर ने बोला कि आधे पौने घंटे का इंटरव्यू लेते हैं, सब समझते हैं. और ये ज़रूरी नहीं कि पहले ही दफ़ा हम डायग्नोसिस डाल दें कि ADHD है. और अगर ADHD इतना सीवियर है तभी तो डॉक्टर के पास आते हैं. और क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल बीमारी है, आमतौर से दवाई की सबसे पहले ज़रूरत आ जाती है. क्योंकि अगर जब बच्चा ध्यान ही नहीं दे पा रहा है तो जो भी साइकोथेरेपी है वो हम लागू ही नहीं कर पाते हैं. यानी कि ADHD डायग्नोसिस ये फटाक से नहीं होता है, कोई जल्दबाजी नहीं होती है. कुछ बच्चे घर पर एकदम ही शांत है, बहुत ही अच्छे है, स्कूल में जाओ शैतान है. आपने अपनी प्रैक्टिस में भी देखे हैं, हमने भी देखे हैं. तो ये जरूरी नहीं है कि एक टाइम में अगर आपने देखा कि ये हाइपर एक्टिव है तो ये ADHD हो गया. डेफिनेटली. और दूसरा जो कंपोनेंट है वो इनअटेंशन का है. यानी कुछ बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं. ये बच्चे आमतौर से डायग्नोस ही नहीं हो पाते क्योंकि ये किसी को तकलीफ देते ही नहीं है. ये डे ड्रीमर जो बोलते हैं ना, ये किधर खोए रहते हैं. Correct. ये दो तरह के रहते हैं, यानी हाइपर एक्टिविटी भी रहते हैं और इनअटेंटिवनेस भी रहते हैं. और बाकी तो डॉक्टर सागर ने बोल दिया, तो मुझे सिर्फ इतने ही पॉइंट्स ऐड. थैंक यू सर. सर ने बहुत अच्छी बात बोली. इनअटेंटिव टाइप का भी एक ADHD होता है. और सर ने बोला डे ड्रीमर. डे ड्रीमर मतलब अपनी ही दुनिया में खोया हुआ आदमी. कल ही मैंने एक ऐसा बच्चा देखा, 7-8 साल का, बहुत ही जॉली नाइस किड. उसको ADHD क्वेरी, ADHD की इसको ADHD हो सकता है ऐसे कह के स्कूल काउंसिलर ने भेज दिया हमारे पास.
So I made him sit at a stool that is there in my clinic and I told him just be seated here and we'll just talk. तो आधे घंटे तक वो बच्चा मुझसे अच्छे से बात कर पाया था लेकिन उसको ऑलमोस्ट ADHD लेबल कर दिया गया था. तो जब मैंने इंक्वायरी की तो इट वॉज नॉट हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप ऑफ ADHD, इट वॉज इनअटेंटिव टाइप. इनअटेंटिव टाइप मतलब क्या, मैं जो आधी बातें बोल रहा हूँ उस पर उसका ध्यान नहीं है, वो बैठा वहीं पर, फिजिकली इज प्रेजेंट बट मेंटली इज नॉट, हिज अटेंशन इज नॉट देयर. सेकंड थिंग, वो इतना डे ड्रीम करता है कि व्हेन ही इज सिटिंग इन द क्लास फॉर 5-10 मिनट्स ही कंप्लीट्स वॉट एवर इज बीइंग टोल्ड टू हिम एंड आफ्टर दैट ही जस्ट स्टार्ट्स ड्रीमिंग अबाउट वॉट एवर सुपर हीरोज ही वॉन्ट्स. बैटमैन लड़ रहा है सुपरमैन से, सुपरमैन लड़ रहा है बैटमैन से, फिर वहां पर कैप्टन अमेरिका आ गया, ऑल ऑफ दैट. सो इट्स इनअटेंटिव, बैठा वहीं पर है, ही इज देयर बट अटेंशन स्पैन एक चीज पर नहीं है, इसलिए हो रहा है. और दूसरी चीज जो डॉक्टर साहब ने बोली कि अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो और वो आपको पहले इसमें ADHD लिख रहा है तो क्या हो सकता है, डॉक्टर को भी ADHD हो सकता है, उसने पहले बार में ही जल्दी कर दी. ऑलराइट सर, एक्चुअली समटाइम्स आई हैव गॉट केसेस लाइक हु हैव पोस्ट ट्रॉमेटिक, देन दे गेट इनटू दिस आल्सो प्रॉब्लम लाइक यू नो ADHD और इनअटेंटिव ADHD. करेक्ट करेक्ट. सो लाइक इवन इफ एज यू सेड इफ यू गिव देम अ medicine first only, then I mean the root will not be looked into, no? So that is what madam, that is what I think I'm trying to say is, at least that is what we try to do is, if we see that the kid is, no therapy will work, which if it is like classic ADHD it doesn't work, then we give medicines first, at least get him to a place where he'll sit and listen to me, uske pehle main kya therapy karu if it is very high. If it is not that way then definitely we can try some things. But as sir also pointed out, by the time generally in our country the patient comes to you, it's like all avenues are exhausted. Humne sab karke dekh liya, teacher ne sab karke dekh liya, and still it's not working. Generally it is that way. Sir, you said that it starts before age 12 years. Yes. And it is compulsory that whenever we see adult doing that, it is a symptoms of his childhood, or it can be start after 12. Generally, it starts from the childhood only. Generally, there has to be some component wherein he was like this in the childhood. So, you have to ask a childhood history and you are going to find many clues there that he was inattentive, he was hyper, he never used to sit in his class, he was very brainy, but he was energetic, but he was different. Dhyan nahi deta tha kahin pe. 99% cases are like that. So, but if he passes his age 12, okay, normally, okay, so he is safe from this. I'm asking that. Yes, see, majority, I'm saying 99% of the cases are that way. If first time symptoms you are seeing, let's say when the patient is 20, then perhaps you should think 10 times, not once, twice, thrice before labeling that ADHD. It could be anxiety that is making him agitated. It could be drugs that he is taking that is making him this way. It could be substance abuse. It could be some other issue. If no symptoms before 12, directly appearing in late teens or early 20s, think 100 times before labeling ADHD. Sir, nowadays we see that kids do not sleep fast. Bahut log parents ki complaints hai ki kitna bhi thaka ho, children don't sleep. So is it only because of less ground activities or our behavioral or the schedule of parents, or is there any other reason to it? Primary reason is that they are too much on the screen. The physical activity that you're talking of, it's not there only, madam. At least whatever cases I see, and Aarti or sir or madam will also agree, who are dealing in mental health right now, that majority of the people who are not sleeping, they don't have physical activity or very minimal physical activity. That is one. Second thing is they are on their screens. Now I'll tell you one interesting thing about these screens is, when you are watching at this innocent screen, there is a certain specific wavelength light that comes out of it, which stops the release of chemical called melatonin, jisse aapko neend aati hai. मेलेटोनिन अगर दिमाग में है तो नींद आएगी, मेलेटोनिन नहीं है तो नींद नहीं आएगी. और ये स्क्रीन से जो भी लाइट निकलता है मेलेटोनिन बनने नहीं देता है. सो बोथ द थिंग्स आर देयर, लेस फिजिकल एक्टिविटी, मोर स्क्रीन टाइम. आई हैड अ क्वेश्चन सर. आई हैव सीन दैट विद ADHD लर्निंग डिसेबिलिटी इज मेजॉरिटी फाउंड. सो व्हाट कैन बी द कोरिलेशन, इज इट बिकॉज देयर आर हाइपर एंड नॉट अटेंटिव, और इट कुड बी, सी बिकॉज वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, वॉट एवर योर लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट्स, इट्स इन द early formative years, and writing, listening and then putting it into on paper, or calculations, all of these are complex things which seem simple to us but are actually very complex things. And if your attention, basic attention span is not very high,
or there's a lot of impulsivity involved, then these processes will not be learned very well. This is just one hypothesis. There are cases or there are situations wherein LD exists as an independent entity also. And memory also gets affected. So what could be done? Because I see cases and I have realized that they don't have a very strong memory. Like, see, the reason... They recollect things, but like remembering names, faces, people... Because see, the simple thing is, rather than memory getting affected, in memory there are two, three things. One is you register what is being told to you. Second is you put it in your memory. Third thing is you recall. But if I'm inherently very, very, very inattentive or hyper, the first phase, registration is only not happening now. So it's not a memory problem. It's the first step of memory, that is registering in your brain, which is a problem. And ADHD, I have learned that ADHD is manageable, but not curable. So is that... It is true. It is true. There is no one-shot treatment like you give a vaccine and ADHD will be gone for good. There is nothing like that. It is very well manageable. Majority of the people, if treated well, almost lead a normal life. We have, as I told you, Olympians who have done that. And generally, as you grow into childhood, ADHD symptoms subside. So you might see a 25-year-old who's sitting very comfortably here, and you might not even know that when he was 14, he had ADHD and medicines for that. Thank you. Thank you, Dr. Sagar. All right.